जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक, मैं आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा करकर आपके विश्वास को पूरा करेगी। मित्रों, असम सरकार ने भी, हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद जी और भाई हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस समझौते के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करा। और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो वादे किए गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पूर्वोत्तर के विकास के विजन के लिए एक इसका एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने न केवल असम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं हो सकती।